बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई सो ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। कुछ भी पढ़ने से पहले जीरा खा लेने से पढ़ा हुआ याद रहता है। रोजाना एक सेब खा लेने से इंसान बीमारी से बचा रहता है। कम सुनाई देता हो तो उंगली पर नारियल का तेल लगाकर कान में फेरो, सुनाई देने लगेगा। काले अंगूर पेट की सफाई के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। जो लोग गर्मी में कद्दू का ज़्यादा सेवन करते हैं उन्हें सुकून की नींद आती है और खून की कमी नहीं होती। अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आप सुबह के टाइम बकरी का दूध पिया करें, इससे आपको थकावट नहीं होगी। स्ट्रॉबेरी का जूस पीने से खून साफ रहता है। ठंडा पानी पीने से दिल की नलियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दिल के दर्द का कारण बन सकता है। गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी हो जाती है। 2 चम्मच शहद को 1 कप पानी में डालकर सुबह शाम पीने से पुराना नज़ला जुखाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप अखरोट, केला और सेब से बने शेक का सेवन करें, वज़न बढ़ने लगेगा। खाने के साथ कच्चा प्याज खाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और नसों की ब्लॉकेज खुलने लगती है। जवानी में जितना ज़्यादा आलू बुखारा खाओगे बुढ़ापे में उतनी ही शरीर में ताकत बढ़ेगी। पानी में फिटकरी मिलाकर नहाने से पसीने की बदबू दूर हो जाती है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से गले में इन्फेक्शन हो जाता है। पाँव का दर्द ना जा रहा हो तो भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से दर्द खत्म हो जाएगा। पेट में सूजन की दिक्कत हो तो बासी मुँह अनार खाओ, सूजन खत्म हो जाएगी। शाम को तली हुई चीज़ें खाने वाले लोग जल्द बीमार पड़ जाते हैं। जो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है उसको बहरेपन की बीमारी हो जाती है। सोकर उठने के बाद भी नींद आने लगे, आंखें बंद होने लगे तो जान लो आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। आपके शरीर में अगर आयरन की कमी है तो पोहा खाने से इसकी कमी दूर होती है। पेट के बल सोने से कमर में दर्द होता है क्योंकि इस तरह सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी सामान्य आकार में नहीं रह पाती। गले की खराश को दूर करने के लिए 2 से 3 तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालें और उस पानी से गरारे करें। कुछ ही समय में खराश से राहत मिलेगी। कभी सहारा लेकर खाना मत खाएं, जिससे सांस की बीमारी होने का खतरा रहता है। रोजाना सुबह खाली पेट 3 से 5 काजू खाकर ऊपर से थोड़ा सा शहद चाटने से याददाश्त बढ़ती है और दिमागी कमजोरी दूर होती है। जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद ना हो रहे हों वहाँ खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। सुबह खाली पेट भीगे हुए अखरोट खाने से चेहरा चमक जाता है और आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में पानी में पुदीना डालकर पिया करें, इससे आपका पेट ठीक रहेगा। प्याज के कुछ टुकड़े काटकर कमरे में रखने से जुखाम की बीमारी नहीं होती। सोने से पहले आम का अचार खा लेने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। रोजाना आड़ू इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कुछ ही दिन में कम हो जाएगी। सिर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो तो दही में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर मिक्स करके सिर पर लगाकर सिर को धो लें, सिर की खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सूखे धनिए के 3-4 दाने चबाने से उल्टी नहीं आती। गैस की शिकायत हो तो पैदल चलने से कमी होती है, तेज चलने से गैस कम हो जाती है। खरबूजे के सूखे बीज खाने से दिमाग में ताकत आती है। रोजाना नींबू का पानी पीने से चर्बी कम होती जाएगी। अंगूर खाने से गुर्दे में पथरी नहीं बनती। खीरे को रोजाना छिलके समेत खाने से स्किन नरम व मुलायम हो जाती है। बालों को दूध लगाने से बालों की जड़, स्किन और सर को ताकत मिलती है। जख्म की सूजन को दूर करने के लिए प्याज जलाकर उसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगा दें। रात को दूध में 1/2 चम्मच हल्दी डालकर पीने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हल्दी का सेवन बूढ़े चेहरे को भी जवान कर देता है। गला खराब हो और आवाज़ भी बिल्कुल ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद भूनकर खा लें।
गला ठीक हो जाएगा। पुदीना, अदरक और अनार के दानों को मिलाकर कूटकर उसकी चटनी बना लें और दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारी नहीं होगी। ज़्यादा थूक फेंकने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और दिमाग कमज़ोर पड़ने लगता है। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे रंग के बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। चुकंदर का रस पीने से आपका रंग कभी काला नहीं पड़ेगा। शाम को खजूर खाने से हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होंगी। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची गोभी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आप सोने से पहले पका हुआ अमरूद खाएंगे तो इससे डिप्रेशन कम होगा। जो लोग दांतों से अपने नाखून काटते हैं उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। चेहरे को साफ सुथरा रखना है तो चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पिया करें। चुहारे खाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। नाशपाती खाने से आपके अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी और कमजोरी दूर हो जाएगी। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दे की बीमारी नहीं होती। हफ्ते में 1 बार नारियल का पानी जरूर पिएं, इससे शरीर गोरा रहता है। सुबह खाली पेट उबले हुए चने खाने से कभी याददाश्त कमज़ोर नहीं होगी। चाय का ज़्यादा सेवन करने से आपको गैस की दिक्कत हो सकती है। हरी शिमला मिर्च मोटापे को कम करने में मदद करती है। हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन कम होता है। गले में इन्फेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर गरारे करने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दूध में खजूर मिलाकर पकाकर पी लो, कद लंबा हो जाएगा। पानी में अदरक उबालकर सुबह शाम पीने से जोड़ों के दर्द में आराम आ जाएगा। टमाटर का सूप पीने से चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं और चेहरे पर निखार आ जाता है। सिर में अचानक दर्द होने लगे तो उल्टे पाँव चलना शुरू कर दो, दर्द फौरन ख़त्म हो जाता है। पथरी हो जाए तो खीरे का रस पी लिया करो, ये पथरी निकालने में मदद करता है। करेले का रस चीनी में मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फ़ायदा होता है। रोज़ाना आंवले का मुरब्बा खाने से आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। अगर शरीर पर दाने निकल आए हैं तो कड़वे करेले का रस लगाओ, दाने ठीक हो जाएंगे। दांतों पर नीम की रोज़ाना दांतुन करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। भेड़ का दूध बालों में लगाने से बाल मजबूत और घने हो जाते हैं। गाय का दूध पीने से याददाश्त तेज होती है। खून की कमी को आलू बुखारा दूर करता है। नींबू के छिलके के पाउडर में नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों का पीलापन और मैल दूर हो जाती है और दांत मोतियों के जैसे चमक जाते हैं। जो ज़्यादा देर एक ही जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। चक्कर आना ना रुक रहे हों तो काला नमक वाला पानी पी लें, चक्कर आना रुक जाएंगे। जो सोने से पहले अपने चेहरे पर गुलाब का अर्क लगा लें उसका चेहरा जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अगर आपके चेहरे पर दाने हों तो उनको हाथ मत लगाएं, वरना चेहरा खराब हो जाएगा। रात को सोने से पहले चेहरे को ना धोना और नींद पूरी ना करना, किसी भी व्यक्ति की ये सब आदतें चेहरे को खराब करती हैं। लहसुन वाली चाय पीने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। ज़मीन पर लेटने से कमर दर्द में आराम मिलता है। पाँव में मोच आ जाए तो उस जगह को बर्फ़ से रगड़े, आराम आ जाएगा। नमक की मसाज करने से शरीर की बीमारी दूर हो जाती है। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो हरी मिर्च खाने से आराम आ जाएगा। बालों में कच्चे नारियल का तेल लगाने से बाल मजबूत हो जाएंगे। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करो, शुगर नहीं होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ हैं तो हरी चाय पीने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चेहरे की झाइयों पर नींबू का छिलका मसल दो, रोज़ाना ऐसा करने से चेहरा साफ हो जाएगा। गुनगुना पानी पीने वाले इंसान के दिल के वाल्व कभी बंद नहीं होंगे। देसी घी गर्म करके चाटने से सूजन और शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा।
रोज़ाना दही इस्तेमाल करने से इंसान का पेट खराब नहीं होता। शाम को चावल खाने वाले लोगों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बेचैनी और थकावट होने लगे तो अनार के जूस में नींबू निचोड़कर पी लिया करो। कैंसर होने पर पकी हुई अंजीर खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पानी के साथ अजवाइन की फांकी लेने से पथरी टूटकर गिर जाती है। चेहरे पर झाइयाँ झुरियाँ आने लगे तो चेहरे पर केवल खीरा रगड़ें, कुछ ही दिनों में चेहरा जवान नज़र आने लगेगा। रोज़ाना 4 बादाम खाने से शुगर और दिल के मर्ज की दिक्कत नहीं होगी। बाल लंबे करने हैं तो सिर में सूरजमुखी के तेल की मालिश करें। जिन लोगों को बलगम की दिक्कत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्ज़ी बेहतरीन है। अगर आपका पेट बराबर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे की बनी हुई चीज़ों से परहेज करें। खून की कमी होने लगी है तो किशमिश खाकर ऊपर से दूध पी लें। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।